हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मेरे पास सेट है जो वो जियो का फ़ोन है, और ये देखिए दोस्तों ये सेट जो है ऑन है लेकिन ये लाइट नहीं आ रहा डिस्प्ले में, ठीक है। तो ऐसे तो दिख नहीं रहा, अभी फ़ोन को वो खोलना पड़ेगा जब ये समझ में आएगा। ये जियो का मॉडल नंबर ये दिखाया था मैं आपको, जियो का F101F101। तो हम फटाफट से खोल लेते हैं और इसको कैसे रिपेयर करेंगे आज हम इस वीडियो में जानते हैं बिल्कुल आसानी से। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप जियो फ़ोन का कोई भी सेट का डिस्प्ले जो है, कीपैड वाला डिस्प्ले जो है, आप आसानी से, जैसे लाइट जिसमें नहीं आ रहा तो आप रिपेयर कर सकते हैं। तो हम बस ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट से ओपन करेंगे सेट। जैसे खुला हुआ है देखें, ठीक है, सेट खुला हुआ है। कीपैड फ़ोन का जो भी होता है, कीपैड फ़ोन का आपको जो लाइट है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों आपको रिपेयर कर देना। तो देखते हैं लाइट कहाँ से ख़राब है, डिस्प्ले से ख़राब है या फिर बोर्ड से ख़राब है। तो देखिए खुला हुआ है फ़ोन, ठीक है दोस्तों। तो मैंने इसको देखिए निकाल लिया है, तो दोस्तों ये जो डिस्प्ले है इसका दोस्तों ये डिस्प्ले चेंज किया हुआ है, मार्केट का डिस्प्ले है। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा दोस्तों कि इसमें डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि डिस्प्ले नहीं आ रहा हो तो डिस्प्ले मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो डिस्प्ले देख लेते हैं कि इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए दोस्तों ये डिस्प्ले जो है आ रहा है, ठीक है। आपको बस इसका लाइट का जो है, लाइट को ठीक करना है। देखिए जैसा कि देखिए यहाँ पे लाइट का पत्ता, ये वाला लाइट का पत्ता दिया हुआ है। तो इस लाइट के पत्ते को हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा, ये वाला जो पत्ता है, ठीक है। और इस पत्ते में आपको निकालने के बाद करना यही है, मीटर को बजर रेंज पर रख के, मीटर को बजर रेंज पर रख लीजिए। और बजर रेंज पर रख करके आपको दोनों पॉइंट पे रीडिंग लेना है कि इसमें मेरा रीडिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इस पॉइंट में मेरा रीडिंग आ रहा है और इस पॉइंट में भी रीडिंग आ रहा है, ठीक है। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में इस तरह से रीडिंग नहीं आ रहा, ठीक है, तो दोनों एक साथ ही नहीं ख़राब होता, कभी एक ही कट जाता है कई बार। तो आपको सिंपल से इस तरह से फाइंड करना है। देखिए ये वाला यहाँ से आ रहा है, ये वाला यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड कर लीजिएगा, अगर कोई भी ख़राब होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से फिर आपको जम्पर देना है। और दूसरी बात है दोस्तों कि ये तो हो गया मेरा ट्रैक, ये वाला जो डिस्प्ले का है वो बिल्कुल ओके है। अब जो भी है LED ख़राब हो सकता है, तो LED इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, इसके लिए हम देख लेते हैं। पहले इसको निकाल लीजिए, आराम से डिस्प्ले को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए LED मैंने निकाला है, LED निकालने के बाद आपको इस तरह से मीटर को बजर रेंज पे रख करके आपको इस तरह से LED को चेक करना पड़ेगा। अब कुछ दिख रहा है दोस्तों, देखिए ये देखिए LED मेरा ओके है, LED मेरा जल रहा है, मतलब मीटर का जो बैटरी है उससे जल रहा है, मतलब LED मेरा ओके है। हो सकता है कि ये जो तार जो है ये कहीं से कट हो रहा होगा, इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बीच का कोई भी LED ख़राब हो जाता है तो आगे वो सप्लाई नहीं कर पाता है और वो आगे नहीं जल पाता है। तो आपको सिंपल सा फंडा है दोस्तों, आपको इस तरह से करके चेक कर लेना है।
और अगर आपका लाइट जल रहा है, सारा लाइट जल रहा है, तो आपको दो जम्पर मारना है दोनों साइड पे इस तरह से। किसी में भी मार सकते हैं आप, चारों में से किसी में भी मार सकते हैं। देखिए मैंने इस तरह से जम्पर मार दिया, ठीक है, तो ये देखिए जम्पर मार दिया। और अब जो है इन दोनों पॉइंटों पे मेरा रीडिंग आ रहा था दोस्तों। अगर आपका रीडिंग नहीं आएगा तो आपको उस जैसे मैंने शुरू में बताया वैसे ही चेक करना है। और ये जो लाइट के ट्रैक होते हैं हमेशा एक साथ ही होते हैं, एक दूसरे के अगल बगल में होता है, बाजू में होता है, साथ में होता है, ठीक है, तो आपको वहीं पे फाइंड करना है। तो मैंने देखिए लगा दिया है, अब हम देखते हैं कि जो इसमें लाइट मेरा जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो देखिए दोस्तों अभी मेरा ये नहीं जला, तो बस इसको कुछ नहीं करना है, इसका प्लस माइनस उल्टा हो गया होगा, तो बस आपको इसको उलट के फिर से दोबारा लगा देना पड़ेगा। मैं आपको अच्छे से जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ। और अब देखते हैं कि इसमें लाइट मेरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए दोस्तों अभी जो है इसका जो लाइट देखिए जल गया। अगर आपका नहीं काम करे दोस्तों तो आपको बस सिर्फ जम्पर को उलट फेर करना है, बस ये देखिए लाइट इसका अभी जल गया। अब मैं फिर से इसको इस तरह पैक कर दूंगा, अभी जो मेरा काम बन गया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।